रामनवमी के मौके पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया है और मस्तक पर 4 मिनट तक नीली किरणें पड़ी। रामलला के सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हुआ। मंदिर में आरती की गई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए रामलला का पट बंद भी किया गया। तो ये तमाम वो पूजा अर्चना जो आज सूर्य तिलक के बाद हुई है वो आपको बताई है। तो वैज्ञानिक तरीके से ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया और इसके लिए पहले ट्रायल भी किया गया था। और गर्भगृह में अंधेरे के बीच सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक पर जब पहुंची तो ये नजारा अद्भुत था। ये देखिए तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आज किस तरीके से वैज्ञानिकों ने आज ये चमत्कार कर दिखाया। रामलला का आज सूर्य तिलक हुआ। वहीं इससे पहले आज सुबह से ही राम मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। सुबह सुबह मंगला आरती की गई और इसके बाद रामलला का जलाभिषेक भी किया गया और इसके बाद स्नान कर रामलला को नए वस्त्र धारण करवाए गए और फिर उनका श्रृंगार किया गया। और जब अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के नलबाड़ी में मौजूद थे। पीएम मोदी ने सूर्य तिलक का ये पल अपने प्लेन में बैठकर देखा। खास बात यह रही कि उस वक्त पीएम ने जूते भी उतार रखे थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर बताया कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल था। तो ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सूर्य तिलक भगवान राम का हुआ है उसके दर्शन करते हुए। और ये चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए थे, हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, अपने प्लेन में मौजूद थे, उस समय उन्होंने आईपैड पर आप देख सकते हैं ये देखा। आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है।